तो आज की हमारी पिवट टेबल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग के बारे में कि कैसे किसी को ग्रुप किया जाता है। आज हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। एक डेटा हम डाउनलोड करते हैं। जैसे आपके सामने एक डेटा है जिसमें नेम है, सिटी है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, मंथ है, और चलिए इसमें हम डेट भी डाल देते हैं। इसके अंदर हमने डेट भी ऐड कर दिया। फिर यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शॉर्टिंग के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि हमने नेम रखा और यहाँ पे क्वांटिटी कर दिया। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए इसके कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से शॉर्ट ए टू जेड और या फिर जेड टू ए कर सकते हैं, शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। अगर मुझे शॉर्ट इसके अकॉर्डिंग करना है, मतलब कि डेटा अकॉर्डिंग करना है, तो मैं डेटा पे कर्सर रखूंगा, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम कर सकते हैं। सर ये सारे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती? जी नहीं। अब इसमें बात आती है कि मान लीजिए कि हमने सिटी को कॉलम में रख दिया, तो आप कॉलम पे भी राइट क्लिक करके आप हॉरिजॉन्टली भी शॉर्ट कर सकते हैं ए टू जेड या जेड टू ए में, या फिर किसी भी एक पे क्लिक कीजिए, जैसे मैंने रख दिया इसके ऊपर, और फिर शॉर्ट ए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने कर दिया, ये हमारा शॉर्ट हो गया। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सिटी इस तरह से आपका पेरेंट और चाइल्ड में रखा हुआ है, तो उस केस में अगर आप यहां इस पे क्लिक करके शॉर्ट करते हैं, तो फिर आपका शॉर्ट नेम बाय सिटी वाइज होगा, सॉरी नेम बाय सिटी वाइज होगा। अगर आपने शॉर्ट इस पे रखा, तो फिर हर हर सिटी के अंदर जो नेम्स है वो इंडिविजुअली शॉर्ट होगा। ओके सर, इंडिविजुअली शॉर्ट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट ए टू जेड। दूसरा शॉर्ट आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं पुणे को सबसे टॉप पे रखना, तो आप इसको उठाइए और यहां से पुट कर दीजिए। मैं दिख रहा है सर मुझे, इसके बाद मान लीजिए सूरत चाहिए, तो सूरत को उठाया और इसको उठा के हम पुट कर देते। इस तरह से मूव कर सकते हैं, या फिर मूव भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे मूव का ऑप्शन आता है कि मूव टू बिगनिंग सबसे ऊपर चला जाएगा, या मूव अप डाउन लेफ्ट आप कर सकते हैं। अगर मैंने कॉलन में रख दिया डेटा, तो मैं इसको कॉलन के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकता हूं, शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। ठीक है सर, तो इस तरह से भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये शॉर्टिंग एंड मूविंग की बात हो गई कि हम शॉर्ट और मूव को हम कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर के बारे में कि अगर मान लीजिए अगर मुझे फिल्टर लगाना है, तो मैं फिल्टर कैसे लगाऊंगा। जैसे कि आपने यहाँ पर रखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया,
और यहाँ फिल्टर में यहाँ पे बहुत सारे हैं कि मुझे हाजीपुर का चाहिए, इसका चाहिए, तो सेलेक्ट करके रखूँगा, तो जो सिलेक्ट करूँगा मेरे फिल्टर में वही दिखेगा। पहला यहाँ से मैं फिल्टर को क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेवल फिल्टर एंड वैल्यू फिल्टर है। लेवल फिल्टर तो जो आपके सिटी है वो सिटी के अकॉर्डिंग फिल्टर करेगा, वैल्यू फिल्टर इसके अकॉर्डिंग फिल्टर करेगा। जैसे मैंने लेवल फिल्टर में गया और मैंने बोल दिया एन विथ ए, जिसके भी लास्ट में ए लगा है वो फिल्टर हो जाए। तो इस तरह से फिल्टर आप कर सकते हैं। दूसरा वैल्यू फिल्टर में आते हैं आपका, तो इसमें आपका आता है कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, इस तरह की आप कंडीशन दे सकते हैं। या फिर मैं टॉप टेन में मैंने बोला कि यहाँ पे टॉप थ्री मुझे दिख जाए एंड ओके, तो हाईएस्ट थ्री जो है सेल्स हमें यहाँ पे फिल्टर हो गया। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं। ओके ते फिल्टर हमारा था नॉर्मल फिल्टर। अब मान लीजिए कि हम फिल्टर इसको कॉलम फिल्टर की बात करें, तो आप कॉल इस पे यहाँ पे देखिए लेवल फिल्टर आ गया, रो फिल्टर आ गया। तो यहाँ से आप कॉलम फिल्टर भी लगा सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं चाहिए या पर्टिकुलर की वैल्यू पे चाहिए, तो इस तरह से आप कॉलम फिल्टर लगा सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है पेज फिल्टर, कि आप पूरे डेटा पे फिल्टर लगाना चाहते। मैंने यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, तो ओवरऑल डेटा मेरे अप्रैल का है, तो ये आपका पेज फिल्टर होता है। और पेज फिल्टर में एक से ज़्यादा फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ भी रखना चाहे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कई सारे फिल्टर को रख सकते हैं फिल्टर के लिए। तो ये आपका पेज फिल्टर होता है। जैसे मान लीजिए नेम को मैंने रख दिया, तो मान लीजिए मुझे चाहिए अप्रैल में एक पर्टिकुलर मंथ की, मुझे श्याम का चाहिए, श्याम नहीं है मंथ में, अमर चाहिए, अमर भी नहीं है, विंदर उदय होगा। इस तरह से एक पर्टिकुलर मंथ का फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, देख सकते हैं। सिलेक्ट मल्टीपल, तो इसमें आप मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ओके तो फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों का, फिल्टर में कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है सर। संतोष चौहान जी आपको कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला बात आता है कि हम फिल्टर तो हमने किया, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग का। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए अपना दिल्ली और नोएडा, एक को हम दिल्ली और एनसीआर करना चाहते हैं, इसका सेल एक जगह होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड ग्रुप में चले गए। यहाँ पे आपका ग्रुप वन दिख गया ना, यहाँ पे सिटी वन और सिटी टू आ गया। तो सिटी टू को रहने देता हूँ और सिटी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और एक ग्रुप को हम नेम चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इसको चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दे दिया दिल्ली एंड एनसीआर, हमने दिल्ली और एनसीआर कर दिया, यहाँ पे इसके टोटल आ गए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे मुजफ्फरपुर पटना को बिहार करना है, तो मैं कंट्रोल करके अलग अलग सिलेक्ट कर सकता हूँ या इकट्ठे सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट की यहाँ पे हाजीपुर भी है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर राइट क्लिक किया और मैंने इसको ग्रुप कर दिया, और यहाँ पे ग्रुप टू को इसका नाम दे दिया बिहार। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है।
बात करते हैं नंबर फिल्टर की। जैसे हमने क्वांटिटी रख दिया और यहाँ पे मान लीजिए नेम का काउंट कर लिया, मतलब कि 10 नंबर ऑफ क्वांटिटी की 2 ऑर्डर्स आए हैं, 12 के 2 ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन मुझे ग्रुप एक स्लैब में चाहिए कि 10 से 20 कितने आए हैं, 20 से 30 कितने आए हैं। तो हमने क्वांटिटी को रो में रख दिया और इस क्वांटिटी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ग्रुप। ग्रुप में मिनिमम और मैक्सिमम ये अपने आप आ रहे हैं, तो मिनिमम को मैं चेंज करता हूँ 0 और मैक्सिमम को आप यहाँ पे 2000 कर दीजिए। इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। और ये 100 का ग्रुप है, नहीं 100 का ग्रुप नहीं, मैं मुझे 10 का ग्रुप करना है, तो 10 को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। देखिए 10 से 19 दिख रहा है आपको, 30 से 39, 39 से 49, इस तरह के ग्रुप और इसके काउंट आ गए। अब ये तो खुद ब खुद आए हैं, इस पर आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, और ग्रुपिंग सिर्फ रो में नहीं, हम कॉलम में भी ग्रुपिंग को कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक बार इंसर्ट और करता हूँ और यहाँ पे मैं डेट को रखता हूँ। जैसे डेट को रखते हैं तो ऑलरेडी वो मंथ वाइज ग्रुप हो जाता है। अगर इनकेस ग्रुप नहीं हुआ या अपने हिसाब से ग्रुप करना है, क्योंकि मंथ क्वार्टर ईयर में ग्रुप होता है, तो मैंने उसको अनग्रुप कर लिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे जो सम करना है मुझे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ ग्रुप, तो ग्रुप में स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको यहाँ दिख रहा है, इस तरह से आ जाता है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। और ग्रुप में आप मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज एंड ईयर वाइज इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। तो हमने मंथ को सिलेक्ट किया, जी हाँ मंथ को हमने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये हमारा मंथ वाइज ग्रुप हो गया। जी हाँ, इसको हमने मंथ वाइज ग्रुप कर दिया। फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे क्वार्टर वाइज करना है, मंथ क्वार्टर दोनों करना है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से आगे भी हम कर सकते हैं, हम शॉर्ट में यहाँ पे ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे ईयर भी दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए मुझे 15 दिन का चाहिए तो डेज को सिलेक्ट किया। ध्यान रखिए सिंगल डेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप 15 दिन का गैप ले सकते हैं। तो 15 दिन का गैप लिया एंड ओके कर दिया, तो हमारा डेज वाइज ग्रुप हो गया। तो डेट की ग्रुपिंग समझ में आ गई आप लोगों को? विक्की जी, संतोष जी, कोई डाउट इसमें? जी सर, ठीक है सर। ओके विकी जी, संतोष जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि मॉर्निंग में 7 बजे आप ज्वाइन नहीं कर सकते? 7 बजे जरा काम होता है सर, घर पे हूँ। सर सुबह 7 बजे मेरी भी क्लास होती है। चलिए अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमें हमारा आता है कि आखिर इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है। एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, अब जैसे कि ये कंपनी का डेटा है हमारे पास, ये हमारे कंपनी का डेटा है, राइट। अब इस कंपनी के डेटा के ऊपर मुझे अटेंडेंस निकालना है। ध्यान से देखिएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अटेंडेंस निकालना है। मेरे पास डेटा है कि पर्सन के नेम है या आईडी मान लीजिए, और वो अपने पंचिंग कार्ड को किस डेट को कितना बजे पंच किया, जितना बार पंच किया उसका डिटेल है। मुझे इस चीज़ को अटेंडेंस क्रिएट कराना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पिवट टेबल पे जाता हूँ एंड ओके करता हूँ। मैंने
स्कैन नेम को रख दिया यहाँ रो लेवल में, स्कैन डेट को रख दिया कॉलन में, और फिर इस डेट को सिलेक्ट किया और अनग्रुप किया पहले, फिर इसको हमने ग्रुप किया डेज के हिसाब से, ताकि एक डेट का एक ही दिन आए। उसके बाद हम इस डेट को वैल्यू में काउंट में रख दिए। अब यहाँ पे जिस दिन वो आया है वहाँ उसका नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जिस दिन नहीं आया है वहाँ पे ब्लैंक है। आप यहाँ ब्लैंक के जगह पे अपने हिसाब से दिवा सकते हैं। तो मैंने पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और यहाँ पे फोर एम्प्टी शेल तो ब्लैंक से हमने ए डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए अब्सेंट शो कर गया, लेकिन मुझे यहाँ पे फिलहाल जीरो शो कराना है, तो मैंने यहाँ पे जीरो शो कर दिया। अब मुझे करना क्या है कि जीरो वाले को अब्सेंट और नंबर्स को मुझे प्रेजेंट दिखाना है। तो हमने नंबर को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, आपके एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट सेल पे गया, कस्टम में यहाँ पे एक सिंपल एक कोड होता है कि हमने यहाँ पे पी डाल दिया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप कोड डालते हो, तो पहली कोड जो होती है वो प्रेजेंट के लिए होती है, दूसरी नेगेटिव के लिए होती है, मतलब दूसरी जो पॉजिटिव नंबर के लिए होती है, तीसरी नेगेटिव नंबर के लिए होती है, नहीं सॉरी गलत बोल गया, पहली पॉजिटिव नंबर, दूसरी नेगेटिव नंबर, तीसरी जीरो एंड चौथी टेक्स्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने किया, पहला हमारा पॉजिटिव नंबर आ गया, दूसरा नेगेटिव के लिए हम ब्लैंक छोड़ दिए, तीसरा सेमी कॉलन से सेपरेशन होता है अब्सेंट हो गया, जीरो के जगह पे अब्सेंट हो गया, एंड ओके किया, तो जो जीरो था वो अब्सेंट हो गया और जो प्रेजेंट था जो नंबर था वो प्रेजेंट मतलब कि पी हो गया। बाद में मैं पिवट टेबल ऑप्शन पे जाता हूँ, टोटल्स एंड फिल्टर पे जाता हूँ, और इसकी जो ग्रांड टोटल्स है इस ग्रांड टोटल्स को रिमूव कर देता हूँ। तो विक्की गोयल जी, बाकी लोग समझ में आया आपको? हेलो, या दोबारा बता दूं? सर थोड़ा दोबारा बता दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डेटा के ऊपर टेबल लगाएंगे, फिर नेम को मैं रखेंगे रो में, डेट को रखेंगे कॉलन में, वापस डेट को रखेंगे काउंट में, ऊपर वाले डेट को राइट क्लिक करके ग्रुप करके सिर्फ डेज सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिर्फ डेज। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट से पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें हम पहले तो जीरो कर देंगे ब्लैंक के लिए और टोटल फिल्टर्स को यहाँ से हटा देंगे, टोटल जो आता था वो हट गया। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ पे हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा पहला पी, फिर सेमी कॉलन, अगेन सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे देंगे ए। मतलब कि इसमें चार सेमी कॉलन से चार चीज डाली जा सकती है, पहले चीज नेगेटिव पे चला जाता है, पॉजिटिव पे, दूसरी चीज नेगेटिव पे, तीसरी चीज जीरो, और चौथा टेक्स्ट। तो मेरे यहाँ पे पॉजिटिव और जीरो है, तो हमने पी कर दिया पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव का यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पे अब्सेंट के लिए ए डाल दिया। तो इस तरह से आपका फिगर आ गया। अब समझ में आया आपको? हाँ जी। अब इसमें आपको क्या करना है कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम है, इन और आउट दोनों का अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, इन एंड आउट दोनों का यहाँ अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इसमें इस तरह की रिपोर्ट बनानी है, इसमें इस तरह की रिपोर्ट बनानी है।
ठीक है सर, डेट इन टाइम एंड आउट टाइम, डेट इन टाइम और आउट टाइम, इस तरह की रिपोर्ट बनानी है इस डेटा से। ये डेटा मैं आपको भेज देता हूं मेल पे। संतोष चौहान जी हैं, विक्की गोयल, और एक है मनीष पीयूष एंड मनीष। मनीष जी आपकी आईडी क्या है? सचिन सावरिया से आपका हम यहां से स्क्रीनशॉट कर लेते और एक चीज पूछनी थी। हैं। और मेरे पास ना चार सिस्टम लगे हुए हैं, चार पीसी हैं, उनमें ना चारों में एक्सेल है, और उस एक्सेल में उन एक्सेलों में जो डेटा है, मैं मतलब के एक शीट पे लेके आना चाहता हूँ, तो कैसे लेके आ सकता हूँ सर? चार अलग अलग सिस्टम पे डेटा है आपका। अलग अलग सिस्टम का डेटा है सर। चारों, तो उसके लिए तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर लिंक करना पड़ेगा। जैसे सर ये डेटा सामने देख रहे हैं ना, पर डेटा जो जो आपने लिख रखा अभी, इस तरह का डेटा चारों में है लेकिन अलग अलग है सिस्टमों का डेटा, वो तो इसको कॉपी पेस्ट करना ही है या मतलब कोई और भी रास्ता है सर? फिलहाल तो आप कॉपी पेस्ट कर लें, फिलहाल जो रास्ता है हम आपको आगे बताएंगे अच्छा डेटा ठीक है सर, कनेक्टिविटी में। चलिए ठीक है सर। इसकी और प्रैक्टिस सर कीजिए और मुझे करके दीजिए। सर एक चीज और पूछनी थी, ये तो अलग अलग शीटों पे हो गया, अगर दो शीटों पे एक ही एक्सेल पे मतलब कि दो शीटों का डेटा एक शीट पे करना है, तो वहां पे भी कॉपी पेस्ट है या कोई मर्ज का ऑप्शन होता है जी? नहीं सर, मतलब कॉपी पेस्ट ही ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप मर्ज करें। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सर।